नमस्कार, इंडिया मिडडे में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विपक्ष गठबंधन में एक और झटका लगा है। बीजेपी के साथ जा सकते हैं जयंत चौधरी। बीजेपी से आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर मिला है। ऐसे में ये विपक्षी गठबंधन के लिए एक और झटका हो सकता है। बीजेपी के साथ जा सकते हैं जयंत चौधरी, ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। और कहा जा रहा है कि बस अब औपचारिक ऐलान ही बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है जयंत चौधरी ने, समाजवादी पार्टी का दामन छुड़ाकर। हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ उनका अच्छा साथ रहा। अगर हम संबंधों की बात करें तो अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी के संबंध काफी प्रगाढ़ हैं और समाजवादी पार्टी से ही राज्यसभा के सांसद बने वो। लेकिन अब जो है मौजूदा स्थिति में बीजेपी से आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर है, ऐसे में बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, शिवपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है इस पर आपको सुना देते हैं। पार्टी फ्रॉम उत्तर प्रदेश और एनीवेयर एल्स इन द कंट्री जॉइनिंग द एनडीए to make sure that our NDA gets even stronger. Although Prime Minister has already announced on the floor of the House that NDA would be 400 plus in the next upcoming elections. हम जानते हैं सर, घूम जाइए सर। अरे गठबंधन से मिल करके और इसी मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्या कहा और साथ ही साथ बीजेपी के सांसद ब्रजलाल की क्या प्रतिक्रिया रही, ये भी सुन लीजिए। कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, लेकिन जो नेतृत्व तय कर लेता है नीचे तक वो स्वीकार होता है, तभी वो जनता की मनोभावना, कार्यकर्ता की मनोभावना देखकर कोई निर्णय लेता है। और जो केंद्रीय नेतृत्व एक बार निर्णय ले लेता है उसको उसके कार्यकर्ता सर माथे पर रखते हैं, उसमें इफ या बट बीजेपी में नहीं होता है। कि भविष्य जो है वो एनडीए में ही है, तो एनडीए में ही है तो एनडीए कुनबा, क्योंकि जानते हैं एनडीए 400 के पार होने जा रही है, तो हो सकता है, संभव है। आपने सुनी, पूर्व डिप्टी सीएम का बयान भी आपने सुना कि क्या प्रतिक्रिया उन्होंने दी। देखिए, जयंत चौधरी अगर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाते हैं तो ये विपक्षी गठबंधन के लिए एक और बड़ा झटका है। इससे पहले हमने देखा कि इंडिया गठबंधन में किस तरह से बिहार में फूट पड़ी। पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी ने साफ कर दिया कि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी। ऐसे में अखिलेश यादव का साथ छोड़ रहे हैं यहाँ पर आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला रही है आरएलडी। के लिए जाहिर तौर पर ये एक मजबूत स्थिति हो जाएगी, लेकिन विपक्षी गठबंधन के लिए इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। चूंकि अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाते हैं तो तमाम जाट वोट जो है वो बीजेपी की तरफ चला जाता है। और देखिए, जिन सीटों पर जयंत चौधरी को जो सीटें दी जा रही हैं, जिन पर अखिलेश यादव के साथ भी सहमति बनी थी या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए के साथ भी सहमति, तमाम सीटें जो हैं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत चौधरी जाते हैं तो स्थिति जो है बीजेपी की मजबूत होगी। जो जाट वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा। और नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर बातचीत के लिए। नीरज, विपक्षी गठबंधन के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इस समय अगर हम बात करें तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे जो सीट है उसको लेकर तमाम तरह के जो विवाद हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने यह कहा है कि
ऐसी कोई बात नहीं है जिस तरह की खबरें मीडिया में चल रही हैं अभी, इस ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने सेकुलर बताया है जयंत चौधरी को, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आरएलडी का प्रदर्शन रहा है, इसके पहले एक भी सीट नहीं मिली थी, इसलिए आरएलडी चाहती है कि कहीं ना कहीं कैसे भी किसी भी तरह जिस गठबंधन से उसे फायदा हो उसके साथ वो जाना चाहती है। चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी का गढ़ रहा है, तो आरएलडी भी चाहती है वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी का उसे साथ मिलेगा तो मजबूत होगी। अब उसे तय करना है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ रहती है या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ। बिल्कुल, अगर हम देखें, अगर हम बात करें जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के संबंधों की, तो बहुत करीबी ये रहे हैं और एकाएक इस तरह से दोनों के बीच फूट पड़ना या फिर सहमति ना बनना, चाहेंगे कि इस पर भी अगर आप हमारे दर्शकों को के लिए अगर जानकारी दे दो। जी देखिए, राजनीति में कोई दोस्ती नहीं होती, कोई दुश्मनी नहीं होती, सब सीटों के लिए होता है, चुनाव जीतने के लिए होता है। और जयंत चौधरी ये जानते हैं कि अगर उन्हें इस बार सर्वाइवल करना है 2024 के चुनाव में, अपनी सीटों को बढ़ाना है या कुछ सीटें जीतनी है, तो उसे ये तय करना होगा कि समाजवादी पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में अच्छी है या भारतीय जनता पार्टी की, और किस गठबंधन से उसे ज्यादा लाभ होगा। तो सब कुछ लाभ और हानि पे डिपेंड करता है, कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का जो है दुश्मन नहीं होता, राजनीति सिर्फ समय के खेल के अनुसार चलती है। यानी नीरज जी कह सकते हैं कि सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति को देखते फैसला लिया गया है, इसका इससे कोई मतलब नहीं। जिसकी असहमति बन रही थी उनके अखिलेश यादव के साथ, जैसे कि कहा जा रहा था कि कुछ सीटों पर उनके चुनाव चिन्ह पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, ये सिर्फ बहाने थे। जी जी बिल्कुल, देखिए सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी चाहती थी कि कुछ जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी के लोग लड़े, भले ही सिंबल जयंत चौधरी दें, लेकिन वो लोग समाजवादी पार्टी के लीडर्स हो। वहां से समाजवादी पार्टी के लीडर्स भी यही चाहते हैं, चूंकि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने वहां से 2-3 सीटें जीती भी थी, तो इसलिए समाजवादी पार्टी चाहती कि अधिक से अधिक उसके लोग आए। हालांकि वो भले जयंत चौधरी का सिंबल हो, 11 सीटें या 7 सीटें जो भी जयंत चौधरी को अब देने की बात हो रही है, उसमें आधे प्रत्याशी तो समाजवादी पार्टी चाहती है। जयंत चौधरी जानते हैं कि जीतने के बाद वो प्रत्याशी वापस समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे, तो इसलिए जयंत चौधरी की ये डिमांड है कि उनके ही प्रत्याशी लड़े, चाहे कम ही सीटें मिले। और यही चीज जयंत चौधरी कह रहे हैं कि भले ही 3 सीटें हो या 4 सीटें हो, लेकिन प्रत्याशी उनके हैं, लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व हो। चूंकि 2014 की स्थिति देख ली और 2019 की स्थिति, जयंत चौधरी धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे अब चुनाव आ रहा है ऐसी बहुत सी चीजें सामने आएंगी, तमाम गठबंधन टूटेंगे। चलिए, जयंत चौधरी का ये आकलन रहा कि उनकी स्थिति जो है मजबूत होगी, और इसी आधार पर ये फैसला लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है, और फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में जंतर मंतर पर कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है, केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कर्नाटक सरकार के बकाया की लोग मांग कर रहे हैं, और इस प्रदर्शन में सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी मौजूद रहे। दिल्ली में जंतर मंतर पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है, केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जंतर मंतर पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। कर्नाटक सरकार के बकाया की ये तमाम लोग मांग कर रहे हैं, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार खुद यहां पर मौजूद हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है, और देखिए कर्नाटक में जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद विरोध कर रहे हैं कर्नाटक सरकार का, और उनका कहना है कि जनता के पैसे का, सरकारी पैसे का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह आरोप लगाकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की, दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है, कर्नाटक कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ। ये तमाम लोग डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहां पर डीके शिवकुमार मौजूद हैं, सीएम सिद्धारमैया खुद यहां पर मौजूद हैं। कर्नाटक सरकार के बकाया की ये लोग मांग कर रहे हैं, इनका कहना है कि कर्नाटक सरकार का जो बकाया रुपया है वो उन्हें मिलना चाहिए, और इसी का विरोध ये लोग लगातार यहां पर कर रहे हैं, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, हाथों में तख्तियां लेकर ये तमाम लोग जुटे हुए हैं। तस्वीरें जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं, तस्वीरें कर्नाटक की, देखिए कर्नाटक में गांधी जी की प्रतिमा के सामने भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार झूठों की सरदार, क्योंकि उसका राहुल गांधी ही झूठा है, झूठा विज्ञापन दिया है कि भारत सरकार ने मेरे पैसे नहीं दिए हैं, मेरे डिपार्टमेंट के विषय में भी दिया है कि वित्त आयोग का पैसा रोका है। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, यूपीए गवर्नमेंट ने 10 साल में केवल 24,500 करोड़ दिया, मैं 72,000 करोड़ कर्नाटक सरकार को दी है, उसके बाद भी निर्लज्जता के साथ देश को तोड़ने की साजिश के साथ कर्नाटक ने ये विज्ञापन दिया है। मैं इसका प्रोटेस्ट करता हूं और कहता हूं कि ये झूठी सरकार साबित करे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। कॉर्बेट के ढिकाला क्षेत्र में छापेमारी हुई है। पेड़ काटने और अवैध निर्माण मामले में रेड पड़ी है। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह के आवास पर ये छापेमारी हुई है। ईडी की आईएफएस अधिकारियों के आवास पर भी रेड डाली गई है। कुल 12 ठिकाने हैं जहां पर ईडी की ये छापेमारी हुई है। कॉर्बेट के ढिकाला क्षेत्र में ये छापेमारी, पेड़ काटने और अवैध निर्माण मामले में रेड पड़ी है और पूर्व वन मंत्री हरक सिंह के आवास पर छापेमारी की गई है। ये पूर्व वन मंत्री का आवास, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी छापेमारी की गई है। आईपीएस अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। कुल 12 जगह हैं जहां पर ईडी ने रेड डाली है, तलाशी अभियान चलाया है। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह सवालों के घेरे में और अवैध निर्माण को लेकर यह पूरा मामला है, साथ ही साथ पेड़ काटने का यह मामला है जिस पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। और कांग्रेस को मिला है अखिलेश यादव का साथ। यूपी में उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। खड़गे ने दिया था यात्रा में शामिल होने का न्योता और 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। देखिए, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 तारीख को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी और इसमें शामिल होने का न्योता कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से दे दिया गया है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने न्योता स्वीकार भी कर लिया है। तो 16 तारीख को इस न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव और ये उम्मीद की जा रही है कि जब यात्रा अमेठी से होकर गुजरेगी तो दोनों बड़े नेता एक मंच से संबोधित करेंगे, अपने तमाम कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे। देखिए, कांग्रेस जिसको जहां जहां से यात्रा गुजरी, जैसे मणिपुर से यात्रा की शुरुआत हुई, मणिपुर, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और अब उत्तर प्रदेश में यात्रा जो है वो पहुंचेगी। ऐसे में कई जगह यात्रा को विरोध का सामना करना पड़ा, विवादों में रही। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर भी स्थिति अच्छी नहीं रही, बिहार में भी वही स्थिति रही और अब देखिए जब उत्तर प्रदेश में यात्रा प्रवेश करेगी तो अखिलेश यादव को साथ मिलेगा, अखिलेश यादव खुद यात्रा में शरीक होंगे। ऐसे में कांग्रेस को अखिलेश यादव का साथ। आगे बढ़ते हैं। संसद में कर्नाटक बीजेपी के सांसदों का प्रदर्शन हो रहा है। गांधी प्रतिमा के सामने सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक सरकार के खिलाफ ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धन के दुरुपयोग पर सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। संसद में कर्नाटक बीजेपी के सांसदों का प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के सामने ये तमाम सांसद जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद के में बाहर जो है गांधी प्रतिमा के सामने ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं यहाँ पर जमा हैं और हाथों में इन्होंने तख्तियाँ ली हुई जिसमें स्थानीय भाषा में लिखा हुआ है और ये लोग कर्नाटक सरकार पर धन के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं और इसी के खिलाफ ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक तरफ कर्नाटक सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, दूसरी तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद ये कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गांधी प्रतिमा के सामने ये लोग, जैसे गांधी जी का नारा रहा बिना हिंसा के अपनी बात पहुंचाना और वही करते हुए तमाम सांसद यहां पर जमा हैं, कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें और इनका कहना है कि धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, धन का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारी धन का जनता के पैसों से खिलवाड़ किया जा रहा है और इसी के विरोध में ये तमाम सांसद इकट्ठा हुए हैं गांधी प्रतिमा के सामने और विरोध जता रहे हैं कर्नाटक सरकार का। संसद में ये प्रदर्शन और उससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जंतर मंतर की,
जहां पर केंद्र सरकार का विरोध कर रही कर्नाटक सरकार, और यहां पर संसद में कर्नाटक बीजेपी के सांसदों का प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठा हुए और कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां बैनर लेकर विरोध जता रहे हैं। सीएम केजरीवाल के खिलाफ याचिका पर आज फैसला होना है। ईडी की याचिका पर शाम 4 बजे फैसला आएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट याचिका पर फैसला सुनाएगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका पर आज फैसला आएगा। देखिए, ईडी की तरफ से कई बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया, 5 बार अब तक अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया, लेकिन वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो आरोप ईडी लगा रही है ये बेबुनियाद है, निराधार है, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार के दबाव में ईडी काम कर रही है और इसीलिए ये बार बार समन भेजा जा रहा है। ये सिर्फ एक कोशिश है ताकि हम लोकसभा चुनाव का प्रचार ना कर पाएं। और अब देखिए, ईडी ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की याचिका पर आज फैसला आएगा। शाम 4 बजे का वक्त है जब ईडी की याचिका पर फैसला आएगा, और उसके बाद देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए क्या निर्देश आता है या ईडी के समक्ष पेश होने के लिए उन्हें कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, ये देखना होगा। शाम 4 बजे का वक्त रखा गया है राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के लिए फैसला आएगा, और ये ईडी की याचिका पर फैसला है। अरविंद केजरीवाल हमेशा से कहते हैं कि कोर्ट का जो भी फैसला है वो सर्वोपरि है, उसे तो मानना ही है। ऐसे में अभी तक ईडी के कहने पर तो पेश नहीं हुए थे, लेकिन अब देखना होगा जब अदालत हस्तक्षेप कर रही है, अदालत कहेगी तो अरविंद केजरीवाल का क्या कदम होगा। आगे बढ़ते हैं। पंजाब से 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इन्हें गिरफ्तार किया है। आतंकवादी लखबीर लांडा के साथी को पकड़ा गया है। पाकिस्तानी आतंकवादी हरविंदर रिंदा का साथी गिरफ्तार है। आतंकी जोबनजीत, विक्रमजीत और कुलविंदर सिंह गिरफ्तार हुए हैं, और इन आतंकियों से 2 पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तानी आतंकवादी हरविंदर रिंदा का साथी गिरफ्तार हुआ है, ये अपने आप में बड़ी कामयाबी। पंजाब से 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं और इन आतंकियों से 2 पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कामयाबी, पाकिस्तानी आतंकवादी हरविंदर रिंदा का साथी गिरफ्तार हुआ है। साथ ही साथ आतंकी जोबनजीत, विक्रमजीत और कुलविंदर सिंह गिरफ्तार। और फिलहाल पूछताछ इनसे की जा रही है कि आखिर क्या इनकी मंशा रही। फिलहाल इन्हें जहां से गिरफ्तार किया है, यहां पर ये क्या करने पहुंचे थे, इस बाबत तमाम सवाल इनसे दागे जा रहे हैं। और अगर अब बरामदगी की बात करें तो 2 पिस्तौल बरामद हुई हैं, साथ ही साथ 10 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद किए गए हैं। यूसीसी बिल पर उत्तराखंड विधानसभा में चर्चा शुरू हो चुकी है। कल सदन में मुख्यमंत्री धामी ने बिल को पेश किया था। कांग्रेस विधायकों ने बिल का विरोध किया है। कांग्रेस ने कल वॉकआउट किया था और आज देखिए, यूसीसी बिल पर उत्तराखंड विधानसभा में चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। कल सदन में मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी बिल पेश कर दिया था। कांग्रेस विधायकों ने बिल का विरोध किया था। कल कांग्रेस ने वॉकआउट भी किया था, प्रदर्शन भी कर रहे थे, और आज फिर यूसीसी बिल पर उत्तराखंड विधानसभा में चर्चा हो रही है। और देखिए, चर्चा के बाद ये बिल जो है वो पेश हो जाएगा, क्योंकि जो आंकड़े हैं समर्थन के लिए ज़रूरी वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। ऐसे में बिना विरोध ये बिल जो है ये पास हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से एतराज़ जाहिर किया जा रहा है, और अगर ये बिल पास हो जाएगा तो आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहाँ पर यूसीसी लागू हुआ है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनावों से पहले भी कहा था कि जब सत्ता में आएंगे तो यूसीसी लाएंगे, और वो बात पूरी हो रही है। उत्तराखंड पहला राज्य बन रहा है आज़ादी के बाद जहां पर यूसीसी लागू हो रहा है, और यूसीसी आने के बाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद सभी नागरिकों के लिए उत्तराखंड के समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी
धर्म जाति से क्यों ना ताल्लुक रखते हो, महिला पुरुषों के लिए समान कानून होंगे। और देखिए उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में भी यूसीसी लाने की चर्चा जोरों पर है। राजस्थान के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का बयान सामने आया है, यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बनेगा राजस्थान, इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में लाएंगे यूसीसी, यह साफ कर दिया है राजस्थान के मंत्री ने। और अब यूसीसी लाने की चर्चा यहां पर भी जोर पकड़ रही है। राजस्थान के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने यह बयान दे दिया है और साफ तौर पर यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी अग्रेसिव तरीके से इस बिल को लाने की तैयारी में, अगर इस सत्र में नहीं भी ला पाए तो अगले सत्र में जरूर लाएंगे यूसीसी, यानी उत्तराखंड के बाद अब जो दूसरा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू होगा वो होगा राजस्थान। जब से सरकार आई जी, धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने जो महत्वपूर्ण विषय था जिसमें भारत की जनता टिकटकी लगाई हुई थी, मोदी जी की जब से सरकार आई जिस बिल को जो केंद्र सरकार में लाना चाहे सबसे पहले उन्होंने की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले नंबर पर उत्तराखंड आ गए तो दूसरे नंबर राजस्थान आए। मुख्यमंत्री जी हमसे ज़्यादा एग्रेसिव, हम तो फिर कम है, मुख्यमंत्री जी खुद इसके बहुत ज़्यादा पक्षधर है। मुख्यमंत्री जी ने हमें डायरेक्शन भी दे दिया, बहुत जल्दी इस पर काम करेंगे, मौजूदा सत्र के अंदर भी चर्चा करेंगे। हो सकता है इसमें समय कम मिले तो आने वाले जो सत्र आएगा जून जुलाई के अंदर उसके अंदर अंडर इंपोर्टेंस को लाएंगे। और गुजरात में मछुआरों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अहमदनगर, छत्रपति संभाजीनगर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जैकवाड़ी बांध में परियोजना के खिलाफ मछुआरों का ये प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। जैकवाड़ी बांध में परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, गुजरात में मछुआरों का विरोध प्रदर्शन। और ये जो प्रदर्शन है ये अहमदनगर, छत्रपति संभाजी इलाके में हो रहा है। ये तमाम मछुआरे जो हैं ये इकट्ठा हुए हैं अहमदनगर, छत्रपति संभाजी नगर में और यहाँ पर विरोध अपना ये जाहिर कर रहे हैं। जैकवाड़ी बांध में परियोजना के खिलाफ ये लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और एक साथ ये तमाम लोग इकट्ठा हुए ताकि अपनी बात ये प्रशासन और सरकार तक पहुँचा सके। और ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के कैंसर से पीड़ित होने का पता चलने के बाद कई देशों के नेताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। लंदन स्थित ब्रिटेन के शाही परिवार के आधिकारिक निवास बकिंगम पैलेस ने सोमवार को एक बयान में बताया कि चार्ल्स प्रोस्टेट ग्रंथि की हाल ही में हुई जाँच के दौरान कैंसर से पीड़ित पाए गए हैं। और ये नहीं बताया गया है कि 75 साल के चार्ल्स को किस प्रकार का कैंसर है, लेकिन उन्होंने बताया कि उनका इलाज शुरू हो गया है और वो पूरी तरह से सकारात्मक है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की। कल होगा पाकिस्तान में आम चुनाव, सभी राजनीतिक पार्टियां आम चुनाव लड़ रही हैं। करीब 128 मिलियन मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान जो कि जेल में है वो जेल से चुनाव का जायजा ले रहे हैं और पहली बार एक हिंदू महिला यहां पर चुनाव लड़ रही है। देखिए आर्थिक तंगी और आतंकवाद समेत कई गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है पाकिस्तान और इस बीच पाकिस्तान में आम चुनाव है। आम चुनाव के लिए कल मतदान होना है, कल वोटिंग होनी है और हर बार की तरह इस बार भी नवाज शरीफ, इमरान खान और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला होने के पूरे पूरे आसार है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सलाखों के पीछे हैं। इमरान खान अपनी पार्टी का वहीं से नेतृत्व कर रहे हैं। नवाज शरीफ के लंदन से पाकिस्तान लौट आने से चुनाव इस बार और ज़्यादा दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद है। बता दें कि देश में करीब 4 साल बाद नवाज शरीफ की वापसी हुई है। ये देश के इतिहास में पहली बार है कि एक हिंदू महिला आम चुनाव लड़ेगी। इनका नाम सवेरा प्रकाश है जिन्होंने खैबर पख्तूनवा की एक सीट से नामांकन दाखिल किया है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है न्यूज इंडिया पर। नमस्कार।